नहीं, प्यार नहीं करना, दंदी काट लेगा। नहीं, rustig zitten hè? Anders gooi ik jullie uit de auto. आप सबका उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सभी खैरियत के साथ होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा बकरा ईद मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही होगी और बहुत सारा मज़े मज़े का खाना जो है वो पक रहा होगा आप लोगों के घरों में। कहीं पर बारबेक्यू हो रहा होगा तो कहीं पर क्या कहते हैं भुना हुआ गोश्त खाया जा रहा होगा, कहीं पर जो कि बकरे के वो जो पाए होते हैं वो बनाए जा रहे होंगे, तो कहीं पर नलियों का सालन बन रहा होगा। हाय मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं इसको मुझे बहुत बकरा अच्छा लगता है, मैं इसको दंडी काट के खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पूरा खा लूँगा। हाँ नहीं पका के खाते हैं ना बेटा जीवा करके, वैसे ना कभी दंडी काट लेना बकरे को, अच्छा फिर वो भी आपको दंडी काटेगा। और अभी इस वक्त मैं आई हूँ एक पार्क में अपने एक डच विज़िटर के साथ, तो सोचा बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय कराया जाए। मौसम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो रहा है, कभी ठंड हो जाती है कभी दोबारा गर्मी आ जाती है, तो आज काफ़ी अच्छा मौसम था तो सोचा बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर जाया जाए, आउटिंग शाउटिंग करवाई जाए। और ये जो पार्क है ये बिल्कुल फ्री है और इसमें जो झूले वगैरह वो बहुत अच्छे लगे हुए थे। और ये जो येलो कलर की टी शर्ट पहने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी डे केयर के बच्चे हैं, तो डे केयर वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों को लेकर ताकि वो बच्चे जो उनसे बोर ना हो और अपना अच्छा सा फन करें, झूले वगैरह लें। और अब इस पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी क्योंकि ये यानी कि इतना कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं था, नॉर्मल साइज़ पार्क था और इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि जो छोटे बच्चे थे बेबीज़ आप कह लें 2 साल का 1 साल का इस तरह उनके लिए अलग जो झूले थे उनकी उम्र के मुताबिक। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फिर झूले लिए और उनका तो वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा था और मैं वीडियो बना बना के बस थक गई थी। तो और इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगी कि मेरे काफ़ी ज़्यादा बहनों ने और भाइयों ने मेरे से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर नीदरलैंड में क्या सीन है जॉब्स का और इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंस और इस तरह की चीज़ों के मुतलिक। तो जाहिर सी बात है मैं अब इतनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वगैरह लूँगी, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी परमानेंट रेजिडेंस और यहाँ पर आने का और जो जॉब है उसका क्या स्कोप है। और इसके अलावा मुझे जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम पर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो जॉब है वो कैसे सर्च करते हैं या कोई आप रेफरेंस है आपका ये वो सारा कुछ, तो इसके ऊपर भी मैं एक आपको आने वाले दिनों में एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जॉब एजेंसी है वो रेफरेंस वगैरह से तो मेरा नहीं ख्याल मिलती होगी यहाँ पर, हाँ कुछ वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स वगैरह मैं आपको बताऊँगी तो आप वहाँ पर सर्च करिएगा तो ज़रूर आपको वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ठीक है तो मैंने ज़रूर इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगी, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लूँ उसके बाद मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ में आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अपनी ईद कैसे गुजारी, आप मेहमान बन के कहीं गए थे या आपके घर मेहमान आए थे या कहीं बाहर आउटिंग पर गए थे,
मैं भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आउटिंग पर गई थी, मैं बयान नहीं कर सकती, वो तो ऐसे थे जैसे दुनिया में जन्नत। इंशाल्लाह आपके साथ वो वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।